वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं दीवा के बर्थडे की गिफ्ट्स अनबॉक्स। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से फर्स्ट गिफ्ट से। कौन सा ओपन करोगे दीवा? फर्स्ट पहला तो ये छोटा वाला करेंगे। चलो गाइस फाड़ते हैं। अरे भाई फट जा। ये क्या है गाइस? ये क्या है? बता रहे हैं ना आपको। वेट तो करो, आपको पता है ये क्या है? ये आपको पता है क्या है? स्किपिंग रोप। हाँ, इट्स स्किपिंग रोप। ये आप स्कूल के लिए चाहिए था ना आपको कितने टाइम से। देखो येलो कलर का अच्छा है कलर। हाँ, कैसा लगा आपको कलर? ब्यूटीफुल है। ठीक है। सो गाइस, ये है दीवा का फर्स्ट गिफ्ट, स्किपिंग रोप। दिखाओ मुझे। ये बहुत टाइम से इसको स्कूल के लिए चाहिए था, स्पोर्ट्स के लिए। गाइस चलो दूसरा गिफ्ट अनबॉक्स करते हैं। तकिया नहीं है आपके पास? नहीं है। अच्छा, ये देखो ऊपर है वो। है ना आपके पास तकिया? ये क्या होगा गाइस? फाड़ो 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 जल्दी करेगी। फाड़ो गाइस। कुछ गिफ्ट मैंने लोकल लिए हैं और कुछ गिफ्ट मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं। मेरा प्राइस फिर आया। अच्छा जी, कोई बात नहीं। आपने हमारा डायरी ये क्या है? मिंत्रा से पार्सल आया। मिंत्रा से पार्सल आया? अमेज़न से पार्सल आया। अब इसको भी फाड़े। अरे बाबू रुक जा, यहाँ से बाबू रुक जा। मम्मी ने फाड़ा लग बेचारे को। ये क्या है? हेलो किट्टी की मुझे पता नहीं है किसको आएगी कि नहीं आएगी। मैंने साइज ऐसे ही मंगवाया था जैसे हैट का मंगवाया था, सेम अमेज़न से ही। रुको ना, रुको, वेट करो बेटा, ओपन करके सेट चेक करते हैं ना। आपका साइज भी मुझे पता नहीं था आएगी कि नहीं आएगी। भाई वो तो देखना पड़ेगा आएगी कि नहीं। हाँ तो गई है कि नहीं? आई गई है कि नहीं? हाँ गई है। ऐसे होती है? ऐसे ही होती है। वो तो क्लिप उतारोगे तो पूरा होगा ना। गाइस मैं कैसी लग रही हूँ उसके आपने कमेंट करके नीचे बताएं। चलो उतार के। हेलो किट्टी की है ये भी। हेलो किट्टी, आई लव हेलो इसको। हेलो किट्टी कितने सारे मिल गए हैं ना गिफ्ट्स? तीन गिफ्ट्स मिले। पाड़ पाड़ राम राम से राम राम बेटा। राम राम वो देखो गिफ्ट खोल रही है कि फेंक रही है ये गिफ्ट। इसको भी खोल ले। ठीक है। दीवा के सारे फेवरेट हमने मंगाए, हेलो किटी और यूनिकॉर्न। ये तो बैग है। दिखा तो दो बैग कितना अच्छा है। गाइस ये बहुत मुझे ब्यूटीफुल लग रहा था ऑनलाइन, मैंने ले लिया यूनिकॉर्न का। इसमें कलर्स बहुत सारे अवेलेबल थे लेकिन एक कलर जो मैंने मंगाया था लेवेंडर कलर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो मुझे पिंक ही मंगवाना पड़ा। इसके साथ ये बेल्ट भी मिली है, आप साइड यूज कर सकते हैं, मतलब साइड आप हैंग कर सकते हैं ऐसे क्रॉसिंग करके। अच्छा। तो इसमें वन जिप है और ये फ्रंट पे यूनिकॉर्न का प्रिंट है। बहुत सॉफ्ट फर वाला बैग है, बहुत अच्छा लगा मुझे तो मैंने इसके लिए परचेज किया। सारे बैग की लाइन में खोली जा रही है। बहुत बता दिया भाई, आप लोग कैसे खोलेंगे भाई? आके बंदी रखो। अरे बाबा ये निकालती भी कैसे है? फाड़ती है ये लड़की। क्या है? आधा तो फटा ही हुआ है पहले से इसका। ये देखो ये क्या है पता है? नाइट सूट है। इसके लिए हमने एक नाइट सूट भी ले लिया एज अ गिफ्ट। अच्छा कलर है ना,
बहुत प्रिटी कलर लगा मुझे। इसका ना पैकेट फट गया था मेरे से, तो मैंने अमेजोन वाले पैकेट में इसको डाल के रख दिया और पैक कर दिया। ये ऐसे फ्रंट ओपन नाइट सूट है, ये इसका पजामा है और बहुत प्रिटी कलर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बहुत प्यारा। चलो वेरी नाइस। नेक्स्ट ये वाला जो अभी गिरा था खाई में। नीचे गाइस देखोगे ना, चलो मैं तो भूल गई इसमें क्या रखा है। खुद ही रखा है। बाकी तो मुझे पता था ये इसमें क्या है। आई नो ना, लेकिन मैं पता नहीं चाहता। ऐसे ही खोल रही है वो। ध्यान नहीं आया तो खोल के बोल रही हूँ। ये कोई डब्बा है? डब्बा है। ओके याद आ गया। ऐसे आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी। एक्टिविटी कर सकते हो गाइस। ये बहुत अच्छी गेम है, कैच बॉल गेम। दो प्लेयर्स की गेम है, इसमें एक कप और है, इसको फिक्स करना पड़ेगा। इसमें दो बॉल्स दे रखे हैं, दो कप दिए हुए हैं। ये पापा के साथ खेलेगी यहाँ पे। इसमें फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो सकती है। नहीं तो लोग बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं सारा दिन, तो इसकी तो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद होगी। तो मैंने सोचा चलो एक ये इसको लेके देते हैं, स्किपिंग रोप। अभी अभी बेटा इसको सेट करना पड़ेगा ना, फिक्स करना पड़ेगा पूरा खोल के, तब जाके ये चलेगा। ठीक है चलो गाइस नेक्स्ट। अरे यार चाचू ने तो कुछ ज्यादा ही भारी गिफ्ट पकड़ा दिया। हमारे गिफ्ट से ज्यादा भारी इसके चाचू का गिफ्ट है। लगता है कुछ उल्टा ही कार्ड उतार रहा है। कार्ड उतारने की क्या जरूरत होती है? कार्ड की क्या जरूरत होती है? गिफ्ट आराम से खोलते हैं गिफ्ट को। आराम से गिफ्ट कैसे खुलेगा भाई? कुछ ज्यादा ही पक्की पैकिंग करा दी है। कुछ ज्यादा ही पक्की पैकिंग करा रहा है। तरीका होता है कोई गिफ्ट खोलने का? चाचू अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप समझ लेना, अगली बार जब मैं बर्थडे आएगा इतनी पक्की पैकिंग मत कराना। ये क्या है? अब चाचू के लिए उतार दिया भाई डॉग्स का कलर सेट। फोड़ गया कलर सेट, कलर बॉक्स। अंदर से ओपन तो करके दिखाओ, यहाँ से खुलता है बेटे। क्या कर रहा है तू? बहुत जल्दी कर रहा है, इतनी जल्दी जल्दी क्या जरूरत है? आराम आराम से करो। ये वेट करो, वेट करो। स्केच पेंस भी है। हाँ स्केच पेंस भी है। एक बार पापा ने भी मुझे दिया था ऐसा, है ना पापा? याद है ना? इसमें डॉम्स का कलर सेट है। इसमें बहुत तरह स्केच कलर, ऑयल पेस्टल, क्रेयॉन्स और पेंसिल कलर्स का पूरा सेट दिया हुआ है। गिफ्ट पापा से बहुत अच्छा है। खोले हाँ हाँ लगा हुआ है। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कलर्स। आराम से आराम से। इसमें ये एक डायरी भी है गाइस। ये डायरी नहीं है, ये वो है आर्ट पेपर बुक है, आर्ट शीट है। इसमें आप बनाना, इसमें इस तरह से बॉक्स है। ये ऑयल पेस्टल कलर्स हैं, क्रेयॉन्स हैं, ये भी कलर्स हैं, पेंसिल कलर्स हैं, स्केच कलर है, इरेजर है और ये क्या है, डॉम्स की पेंसिल्स दी हुई है। बहुत अच्छा गिफ्टिंग पर्पस से सेट है बच्चों के लिए। दीवा को तो वैसे भी कलर से इतना अटैचमेंट है, इसको जितने मर्जी कलर्स लाके दे दो, जितने मर्जी कलर्स लाके दे दो, इसका टमी नहीं भरता कलर्स से। बहुत बहुत पसंद करती है, इसको कलर्स वगैरह मिल जाए ना ये बहुत पसंद करती है गिफ्ट में। तो गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो गाइस ये है दीवा की नानी का गिफ्ट। ये डिमांडिंग गिफ्ट है जो दीवा ने डिमांड किया था अपनी नानी से कि मुझे बिग 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 टेडी बियर चाहिए पिंक कलर का। नानी भी दे दिया। सबसे बड़ा टेडी बियर नानी ने लेके आया। अरे बहुत भारी ये भी बहुत हैवी वेट है और दीवा इसको पकड़ भी नहीं पा रही है और इतना बड़ा इसने मंगवा लिया। तो हम इसे अभी अनबॉक्स कर रहे हैं, अनपैक कर रहे हैं, अनपैकेट कर रहे हैं। आराम से बेटे गिर मत जाइए, तो नीचे उतर जा। इसको अनपैक करने के लिए खड़े होना पड़ेगा। बहुत भारी है, बहुत हैवी है, ये हमसे ज्यादा भारी है। पता नहीं कितना वेट होगा इसका, है ना? 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 2000 किलो। आप गिर जाओगे पुत्र। 2000 किलो है। सो गाइस ये रहा दीवा का टेडी बियर। इसे हम प्लेस करेंगे दीवा के बेडरूम में। देखना पड़ेगा कि कहाँ पे प्लेस कर पाते। बेड पे ऐसे गिरा दो।
हाँ गिरा दो, इतना भारी है, दिमाग खराब, इतना बड़ा है, इतनी स्पेस कवर कर रही है वैसे भी। ये आपका टेडी बेयर, आपको मुबारक। सो गाइस, ये थे दीवा के गिफ्ट्स। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे, पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना, और बर्थडे व्लॉग्स कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।